हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम देखेंगे सम क्वेश्चंस ऑन राउथ हर्बर्ट्स क्राइटेरियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी पोल्स आर इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपसे पूछा है और उसने दे रखा है आपको एस की पावर 5, एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर 3, एस स्क्वायर, एस 1 एंड एस 0, और आपको दे रखा है माइनस प्लस 0 प्लस प्लस माइनस, और ये 0 दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्लस। आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपको पता करना है कि कितने पोल राइट हैंड साइड में हैं, कितने लेफ्ट हैंड साइड में हैं और कितने इमेजिनरी एक्सिस पर हैं। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक साइन चेंज तो ये हो रहा है आपका माइनस से प्लस। ठीक है, फिर कहाँ साइन चेंज हो रहा है, नीचे प्लस से माइनस, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, इसलिए हमें पता चला कि राइट हैंड साइड में जितने भी जो पोल होंगे वो कितने होंगे, 2। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइन चेंज ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ साइन चेंज। अच्छा, यदि टोटल यदि कोई पूछे टोटल पोल्स कितने हैं इसके, तो टोटल पोल आप कैसे बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टर्म। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 5, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टर्म। तो इस तरह से आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में कितने होंगे, अब हमें मालूम है कि टोटल पोल 5 हैं, राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने बचेंगे आपके, 3। लेकिन इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि कहीं ऑड रो तो 0 नहीं है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आपके एस थ्री वाली जो रो है, ठीक है, जो आपकी एस थ्री वाली रो है ये क्या है आपकी, 0। तो ऑड रो 0 है, तो ऑड रो 0 होगी तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या मानते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें पता चल गया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में कितने पोल होंगे, 4। कितने ऑक्सिलरी इक्वेशन के पोल कितने होंगे, 4, और चारों के चारों कैसे होंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, बता हाउ मैनी पोल्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, कितने होंगे आपके, 4, क्योंकि कहाँ से पता चला मैं, बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑर्डर। ठीक है, अच्छा बताइए कोई रिपीटेड पोल होगा क्या इसमें, रिपीटेड पोल कब आता है, जब अगेन कोई ऑर्डर हो आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए, लेकिन ये 0 नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, तो रिपीटेड पोल्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ओनली वंस ऑड रो इज 0। तो अब हमें पता क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एस प्लेन का डायग्राम है हम यहाँ बनाते हैं। अच्छा, हमको मालूम है कि राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स हैं आपके 2। कितने हैं, 2, तो पहले हमने उनको बना दिया है। ठीक है, अच्छा हमको ये भी मालूम है कि सिमेट्रिक पोल कितने हैं आपके, 4। कितने हैं, 4। तो देखिए सिमेट्रिक पोल कैसे बन सकते हैं वो हमें यहाँ पर पता करना है। यहाँ हम देखते हैं कि रिपीटेड पोल्स आपके कितने हैं, 0, और सिमेट्रिक पोल्स कितने हैं, 4। ठीक है, अच्छा ऑड रो 0 होने का मतलब होता है ये सिस्टम कैसा है, मार्जिनली स्टेबल। और जब कोई भी सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो उसके पोल्स कहाँ होते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, इस पर लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाले पोल बना देता हूँ, तो एक पोल आपका ऊपर होगा, ठीक है, एक सिमेट्रिकली कहाँ होगा आपका, नीचे होगा। ठीक है, एक सिमेट्रिकली कहाँ होगा आपका, नीचे होगा। तो इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये दोनों कैसे आपस में सिमेट्रिक हैं। अच्छा, अब सिमेट्रिक आपके कितने होने चाहिए, 4, तो
तो हमें एक और बनाना पड़ेगा। तो हम एक पोल कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। चार पोल तो हमने अभी कवर कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4। अब एक और बनाना है हमें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 5। तो हमने उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ही क्यों किया, क्योंकि हमें क्या पता है सिमेट्रिक पोल कितने होने चाहिए, 4। यदि ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं तो ये दोनों भी सिमेट्रिक होंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सर आपने इसका ही सिमेट्रिक क्यों बनाया, ठीक है, इस वाले का सिमेट्रिक क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो उसका भी सिमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बताना है कि किस तरह सिमेट्रिसिटी डिसाइड करेंगे, हमें केवल ये बताना है कि हाउ मैनी पोल्स आर इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कितने पोल्स हैं आपके, 2 पोल्स। ठीक है, और सिमेट्रिकली पोल कितने आपके, 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोल है, 1। और इमेजिनरी एक्सिस पर आपने देखा कि कितने पोल हैं आपके, 2 पोल्स हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप ऐसा ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है बस इसमें। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, S^7, S^6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और साइन हमको दे रखे हैं प्लस माइनस प्लस प्लस 0 प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, और इस तरह से दे रखा है, इसका मतलब होता है एंटायर रो क्या है आपकी, ऑड रो 0 है। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन आपको दिए भी जा सकते हैं, और यदि आपको लेंथी क्वेश्चन बनाना हो तो वो यहाँ पर आपको टेबल फिल करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, तो जनरली गेट में आपको यही पूछा जाता है, टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं, वो केवल कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसमें पता करना है कि हाउ मैनी पोल्स आर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सबसे पहले देखते हैं हम साइन चेंज, क्या देखते हैं हम साइन चेंज। तो एक साइन चेंज ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, ठीक है, थर्ड फोर्थ, नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, 4। तो राइट हैंड साइड में पोल कितने होंगे आपके, 4। ठीक है, टोटल पोल कितने होते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एस कितना है, 7। तो हमने इसको 7 लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड चेक करने से पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऑड रो 0 है, ऑड रो यदि पूरी 0 होती है तो उसके जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 4। इसलिए जो सिमेट्रिक पोल होंगे, सिमेट्रिक पोल कितने होंगे आपके, 4। ये कहाँ से पता चला, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अच्छा रिपीटेड पोल होंगे क्या इसमें, रिपीटेड पोल नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बार आपकी ऑर्डर 0 हुई है, एक से ज़्यादा बार यदि 0 होती है तो उसमें रिपीटेड पोल्स होते हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका एस प्लेन है, हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड पे 4 पोल बना दिए हैं, कितने पोल, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा हमें मालूम है कि ऑड रो आपकी 0 है, ऑड रो 0 है मतलब सिस्टम कैसा आपका, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, सिस्टम कैसा आपका, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे भी साइन चेंज है, और जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन चेंज हो, कितनी बार साइन चेंज है आपका, 2 बार, कितने बार है, 2 बार। तो जो सिमेट्रिक पोल्स होंगे ना, उनमें भी 2 पोल्स कहाँ जाएंगे आपके, राइट हैंड साइड में। तो इसको क्लियरली समझना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर साइन चेंज अलग बात होती है और ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन चेंज अलग बात होती है। ठीक है, तो ऊपर कितनी बार साइन चेंज है, 2 बार, तो 2 पोल आपके राइट हैंड साइड में तो जाएंगे,
लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होंगे, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होंगे। लेकिन ऑक्जिलरी इक्वेशन के नीचे जो आपके साइन चेंज होंगे, तो उतनी बार आपके पोल्स राइट हैंड साइड में जाएंगे और वो सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो दो पोल आपके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो सिमेट्रिक होंगे। सपोज कि मैं ये दोनों पोल्स कैसे आपके सिमेट्रिक नेचर के, ठीक है, तो एक इसकी सिमेट्री वाला पोल यहाँ बना दिया मैंने, एक इसकी सिमेट्री वाला पोल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक पोल अपने कितने हो गए, 4। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया। अब हमने क्या किया है, ये दो जो पोल बनाए हैं वो क्या, कौन से वाले बनाए हैं आपने, जो ऊपर जो साइन चेंज हुआ है उस पर, वो वाले बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने आपके पास, 7। ठीक है, तो एक पोल आपका कहाँ रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, कहाँ रह जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने उसको यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरह हम कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं, कुछ भी वो पूछे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पोल्स पूछे, चाहे सिमेट्रिक पोल्स पूछे, चाहे रिपीटेड पोल्स पूछे, तो हम उसको आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, और इनसे हटके राउथ पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पर आएंगे, तो आप इनको ध्यान से समझना। h^7, h^6, h^5, h^4, h^3, 2, 1 एंड 0। इसमें हमें साइन चेंज दे रखा है पहले से। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है इस टाइप के क्वेश्चन का। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए दो ऑर्डरों जीरो हुई हैं। ठीक है, तो लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इनोसेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसको सिंपल करके बता देता हूँ। तो देखिए इसमें किस तरह आपको सॉल्व करना है। जब भी एक से ज़्यादा ऑर्डरों जीरो हो, इसका मतलब होता है रिपीटेड पोल्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो टोटल पोल्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, टोटल पोल्स कितने होंगे आपके पास, 7। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपके पास इक्वेशन का, 7। राइट हैंड साइड में पोल्स कितने जाएंगे, नंबर ऑफ साइन चेंज, तो साइन चेंज आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक बार साइन चेंज हुआ है और एक बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ है, तो राइट हैंड साइड में पोल कितने जाएंगे आपके, 2 पोल्स जाएंगे। ठीक है, कोई यदि पूछे सिमेट्रिक पोल्स कितने होंगे, तो सिमेट्रिक पोल्स कितने होंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर आपकी जीरो होती है उससे जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही क्या होता है आपका, सिमेट्रिक पोल्स। ठीक है, क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिक पोल्स। तो 6 पोल्स आपके कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अच्छा, कोई पूछे बताओ रिपीटेड पोल्स कितने होंगे, तो रिपीटेड पोल्स क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर और जीरो कितनी बार, एक बार और है, तो ये 1 कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये है आपका एस प्लेन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में कितने पोल गए हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पोल्स गए हैं 2, कितने हैं पोल्स, 2, और दोनों के दोनों पोल्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन चेंज हो रहा है, तो दोनों के पोल कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो एक पोल मैंने ये बना दिया, एक पोल ये बना दिया, इन दोनों को सिमेट्रिक करने के लिए दो पोल मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी बना दिए हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या पूछा है, सिमेट्रिक पोल्स हैं कितने, तो टोटल कितने हैं आपके पास, 6। अभी आप कितने बना चुके हो, 4, तो दो आपको और बनाने हैं, तो दो अब हम कहाँ बनाएंगे, इस इमेजिनरी एक्सिस पर। ठीक है, ये हमने इसको बना दिए, एक पोल आपका बाकी बचता है, तो वो कहाँ होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसा जनरली बच्चे करते हैं, लेकिन
इतना करने के बाद हमें दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए कि ये तब तक सही था जब तक रिपीटेड पोज नहीं थे, जब तक अपने पास रिपीटेड पोज नहीं थे, ठीक है। तब तक तो ये आपकी कंडीशन सही थी। अब इसमें रिपीटेड पोज हैं तो रिपीटेड पोज तो आपने कहीं दिखाई ही नहीं है, तो रिपीटेड पोज को डिनोट करने के लिए केवल आप एक ही काम कर सकते हो। देखिए इनमें से आप कर क्या सकते हो, इस पोल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इन दोनों को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक ही एक पोल है, इन पर आप रिपीट नहीं करा सकते हो। तो केवल और केवल क्या कर सकते हो आप, ये दोनों पोल्स को एक एक ही प्लेस पर लेकर आओ, तभी वो दोनों क्या होंगे, आपके रिपीटेड पोल्स। तो ये वाला जो आपका डायग्राम गलत है, जो सही डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये आपका डायग्राम रिपीटेड पोल्स, एक पोल ये होगा, दूसरा पोल ये होगा, और इन दोनों का रिपीटेड सिमेट्रिक पोल्स कहाँ होगा आपको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो देखिए दो पोल्स राइट हैंड साइड में हैं, उनका सिमेट्रिक लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और दोनों रिपीटेड भी हैं, ठीक है, और दोनों रिपीटेड भी हैं, तो दोनों ही कंडीशन आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे और बाकी के पोल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये आपका करेक्ट डायग्राम है। तो कोई यदि पूछे लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोल हैं इसमें, तो कितने हैं, 3। लेफ्ट हैंड साइड में पोल्स कितने यहाँ पर, 3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इफ द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेन्स सम वेरिएबल, ठीक है, कुछ वेरिएबल कंटेन करती है, उस वेरिएबल का नाम है के, तो उस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया है वो केवल और केवल ये बताता है आपको कि हाउ मैनी पोल्स आर इन राइट हैंड साइड, जितने साइन चेंज हो गए उतने ही पोल्स कहाँ होंगे आपके, राइट हैंड साइड में, ठीक है। राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी पता नहीं चलेगी, ठीक है, केवल और केवल क्या पता चलेगी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं, या फिर वो मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद हम पता कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, तो उसके भी मेथड हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे अभी तक जितने भी हमने किए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एस की पावर 4, एस की पावर 3, इनको टेबल को फिल कर लिया, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 5 0, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी किस तरह फिल करना है, 0 0, और यहाँ पर क्या आया आपका के, ठीक है, 0 0 के, ठीक है। तो देखिए अब इस प्लेस को आपको फिल करना है, तो क्या 5 × 2 = 10, -5/5, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1, तो इस प्लेस पे कितना आएगा, 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 5 - 5k, ठीक है, /1, तो 5 - 5k आएगा, 5 - 5k आ जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए रेंज पता करनी है। तो हम जानते हैं कि यदि फर्स्ट कॉलम में जितने भी बार साइन चेंज होगा, ठीक है, या सपोज जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों का हमें पता नहीं, ये डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर। यदि ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल, ठीक है, अदरवाइज वो सिस्टम कैसा होगा, 0 हुआ तो मार्जिनली स्टेबल, यदि नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल, क्योंकि राइट हैंड साइड में पोल्स चले जाएंगे। तो वही हमें पता करना है फॉर स्टेबिलिटी, सिस्टम यदि स्टेबल होगा आपका तो इस के की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, के की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और इस पूरी वैल्यू को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो के है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकेंड 5 - 5k, ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम k की रेंज निकाल सकते हैं, तो इस 5k को इधर लेकर आए हम, तो 5 ये 5k हो जाएगा आपका,
ठीक है, तो के इक्वल टू के क्या हो जाएगा आपका, ये इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका लेस देन वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला के ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से पता चला के लेस देन वन। तो के की रेंज आपको पता चल गई कि यदि के की वैल्यू को हम जीरो से बड़ा रखेंगे और वन से छोटा रखेंगे तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। अदरवाइज यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा और सिस्टम कैसा बन जाएगा, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल। अच्छा, मार्जिनली स्टेबल कब बनेगा, मार्जिनली स्टेबल बनने के लिए क्या होगा, इस के की वैल्यू इस वन के इक्वल हो जाए, किसके बराबर हो जाए, वन के। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे फॉर मार्जिनली स्टेबल। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होना किसके लिए लगाया हमने, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है, स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा उसमें, ये केवल ये वाला साइन रहेगा। तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में वो दे सकता है, इनोसेंट बच्चे होते हैं तो वो इस तरह से ऑप्शन देगा आपका और सेकंड ऑप्शन देगा आपका इस तरह से। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए आप उसने पूछा है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट गाइस, इसको टिक कर देते हैं। तो ये आपका गलत है क्योंकि इसमें ये क्या है, मार्जिनली स्टेबल के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज सी एस सॉरी जी एस एच एस। हमको दे रखा है के एस प्लस वन अपॉन एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3s+1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड बी एंड बी सो दैट द सिस्टम विल ऑसिलेट विद फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ऑसिलेट करने का मतलब क्या है, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं ऑसिलेट किस केस में करता है, केवल मार्जिनली स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, तो मार्जिनली स्टेबल कंडीशन में आपका कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है, और टू उसका क्या है, टू है लोकेशन ऑफ पोल। ये मैंने आपको नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी बताया था कि साइन के साथ जो आपका बी आता है उस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टू। ठीक है, या फिर ऐसे बोलेंगे लोकेशन ऑफ पोल। देखिए, चलिए इसको शुरुआत करते सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी तो हम उससे क्या बनाएंगे, राउथ हर्विट्ज़ टेबल बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्या बनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GS HS = 0 और जी एस एच एस की वैल्यू हमको दे रखी है, तो 1 + KS+1 upon S³ + BS² + 3S+1 ठीक है, इक्वल टू 0। एंड इसको हम क्या कर लिखेंगे, एस क्यूब एलसीएम लेने के बाद प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3S+1 + KS+K = 0। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन लिया है S, इन दोनों में से S कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका S³ + BS² + 3 + K, और ये S हमने बाहर ले लिया है, +K+1 = 0। तो ये बन गई आपकी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो शॉर्टकट में बता देता हूँ कि किस तरह आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका ओपन लूप फंक्शन था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नीचे वाली इक्वेशन ली है, S³ + BS² + 3S+1, और इसमें ऐड कर दो जो ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसको हमने ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या है KS+K, तो आपकी यही वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी आपका टाइम बचाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राउथ टेबल को फिल करेंगे। राउथ टेबल को फिल करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह अरेंज कर सकते हैं हम इसको। फिल कर लीजिए, आगे आएगा 1, उसके बाद आएगा 3 प्लस के, ठीक है, यहाँ आएगा आपका b, यहाँ आएगा k प्लस 1। अच्छा, इस प्लेस पर क्या आएगा, b इंटू 3 प्लस के माइनस k प्लस 1 अपॉन b, ठीक है। इस प्लेस पर क्या आएगा आपका, ये देखिए मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक से आप भर सकते हैं, 0 0 k+1। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते रहिए, तब तक 10 लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो बच्चों इसको आप याद रखना यहाँ पर, ठीक है। आप मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, ठीक है, इतना तो हर कोई कर सकता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसा है आपका, स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो उस क्वेश्चन में क्लियरली मैंसनड है कि सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब सिस्टम क्या है आपका, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। और हम जानते हैं कि मार्जिनली स्टेबल जब कोई सिस्टम होता है तो उसकी एक ऑड रो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ऑड रो क्या होती है, जीरो। तो इसमें ऑड रो देखो कौन सी आपकी, एस की, s1, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है यहाँ पर, इस आगे वाली टर्म को हमें जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको रफ कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, b3k-k+1 अपॉन बी, इसको क्या कर दिया, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका बी इक्वल टू, ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा, और के प्लस 1 अपॉन 3+k, ये यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। सपोज कीजिए हमने इसकी इस इक्वेशन को बोल दिया 1, ठीक है। अच्छा, हम दूसरी चीज़ ये भी जानते हैं, जब ऑर्डर जीरो होती है उसके जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में क्या होगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आपकी b s² + k+1 इंटू, ठीक है, इंटू क्या है, जीरो ही होगा क्योंकि s² है, s यहाँ पर s की टर्म नहीं आएगी, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। b की वैल्यू हमको पता है, इस b की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका k+1 अपॉन 3+k और s² + k+1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस k+1 को मैंने उधर भेज दिया है, तो ये k+1 कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका, इधर पहुंचने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस k+1। यहाँ से s² यदि हमने निकाला, देखिए यहाँ से k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो s² हो जाएगा आपका माइनस का k+3, ठीक है। तो s हो जाएगा आपका अंडर रूट -k-3, ठीक है, या फिर हम इसमें से माइनस बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। और तो ये आ जाएगा आपका +j√k+3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस k की वैल्यू को पता करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए k की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पता है कि सिस्टम ऑसिलेट किस पर कर रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस अंडर रूट के प्लस 3 की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशनड है, कितनी दे रखी है हमें, 2 रेडियन पर सेकेंड। हम जानते हैं ये क्या होता है आपका, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन,
तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका k आएगा k प्लस 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि k की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, एक और उसने पूछा है किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू किसकी निकालना है, b। तो b भी हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट कर दो। k हमें पता है 1 है, ये भी हमें पता है 1 है, तो 1 / 2 / 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/2। तो ये अनदर वैरायटी थी क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पार्शियल राउथ एरे ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम एज। ये सिस्टम को दे रखा है, पहले से इन्होंने टेबल बना के दे रखी है, आगे हमें उसे कंप्लीट करनी है। और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? ए की। सो दैट द सिस्टम ऑसिलेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है आपका 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब जो साइन के साथ जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, साइन के साथ जो टर्म आती है आपकी साइन bt, तो ये b क्या है आपका? 2 दे रखा है, मतलब लोकेशन ऑफ पोल कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए पहले राउथ टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा s² s⁻¹, s⁻¹0। तो इस प्लेस को फिल करेंगे, तो फिल कैसे करते हैं? 3 × a, तो 3a हो जाएगा, माइनस करेंगे हम 1 × 12। ठीक है, तो 3a - 12 अपॉन, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर वाला, ये इससे आप डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ होगा अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3। तो आगे देखते हैं ये वाला प्लेस कैसे फिल करेंगे हम लोग। तो इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 × 8 - 1 × 0/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, या फिर डायरेक्टली हम इस तरह से भर सकते हैं 0, 0 और 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्लेस फिल करना है, तो ये हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले प्लेस को फिल करते हैं, तो 0, 0, 8। तो इसको फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3a - 12 × 12। ठीक है, और अपॉन 3 है, तो 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 3a - 12/3 × 12। तो इसको मैंने क्या कर दिया? 4 कर दिया है। माइनस माइनस होगा 8 × 3, ये हो जाएगा 24। अपॉन में क्या आएगा आपका? फिर से यही टर्म आने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं पूरे टर्म को साइड में लिख रहा हूँ, तो साइड में लिखेंगे तो क्या आएगा? 3a - 12/3। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, ये होगा आपका 8 - ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं, हाँ, ये 8 नहीं हुआ, ये 12 हुआ। क्या होगा आपका? 12 12। माइनस होगा आपका 3 × 8, अपॉन करना पड़ेगा आपको 3a - 12/3। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को हम क्या एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा आपका? ये आएगा 3, और ऊपर जो पोर्शन बचेगा आपका वो 12 × 3a - 12, और ये माइनस, यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 9 × 8/3a - 12/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा पूरे टर्म में से, यदि मैं 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, यदि मैंने 3 कॉमन ले लिया है, तो क्या होगा आपका? ये बचेगा आपका 12, और ये 3 से ये 4 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 1, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 12 a - 4
माइनस 24 अपॉन ए माइनस 4। तो ये फाइनली आपका आ चुका है। ठीक, अब हमें मालूम है सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। कोई सिस्टम ऑसिलेटरी होता है तो उसका मतलब होता है उसकी इवन रो क्या होती है, जीरो। तो ये इवन रो जीरो होगी। ठीक है, तो इसको हम जीरो कर देते हैं। तो इसके आगे क्या आया आपका, ये वाला पोर्शन, तो इसको हम जीरो कर देते हैं। तो जैसे ही हम जीरो करेंगे तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा आपका, और यहाँ पर बचेगा 12a माइनस 4 इक्वल टू 24। इस 12 को हम उस साइड लेकर गए इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 बचेगा और a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6। ठीक है, यही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ k। क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए पूछा है फॉर अ सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय जी एस एच एस, क्या दे रखा है हमें, के इंटू ई टू द पावर एस टाउ अपॉन एस एस प्लस 1। ठीक है, तो रेंज पूछी है हमें के की रेंज स्टेबिलिटी के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो यहाँ पर अभी तक हमने स्टूडेंट पढ़ा है कि सीधा सिंपल ऊपर आपको जीरो दे रखे होते थे, नीचे आपको पोल दे रखे होते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है ई टू द पावर माइनस एस टाउ। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है टाइम कॉन्स्टेंट वाली टर्म। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं डिले, क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशनल डिले। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एस टाउ को बोला जाता है प्रोपोगेशनल डिले। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस एस टी से। ठीक है, इस e टू द पावर माइनस एस टाउ को हम 1 माइनस एस टाउ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है डिले, और डिले हम कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम में, इस तरह से। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो जी एस एच एस इक्वल टू आ जाएगा के 1 माइनस एस टी अपॉन एस एस प्लस 1। ठीक है, तो हमें अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। तो हम इसमें पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि क्या कीजिए, नीचे इस वाली टर्म को लीजिए आप एस एस प्लस 1, और उसमें ऐड कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म को, तो k माइनस के एस टी, ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग और कॉमन निकाल लेते हैं, एस स्क्वायर हो जाएगा, ये एक यहाँ से s आएगा और यहाँ से के टी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1, ठीक है, 1 माइनस के टी हमने बाहर निकाल दिया, तो s यहाँ से बाहर आ गया कॉमन लेके, प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग राउथ टेबल फिल करते हैं। तो देखते हैं राउथ को फिल करके, अकॉर्डिंग टू राउथ यहाँ पर आएगा आपका एस स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका s। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वाड्रेटर के इक्वेशन वाली शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट आपको क्या देखना है, a की वैल्यू देखना है, b की वैल्यू देखना है और c की वैल्यू देखना है। यदि साइन चेंज हो रहे हैं तो सिस्टम के उतने ही पोल्स राइट हैंड साइड में हैं। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा आपका 1, यहाँ आएगा आपका k, यहाँ आएगा 1 माइनस के टी। ठीक है, और एस टू द पावर 0 यहाँ पर क्या बना जाएगा आपका k। ये k कैसे आया, मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर हम इस वाले टर्म से। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। तो अब हमें क्या पता करना है, सिस्टम
स्टेबल कब है, ठीक है, रेंज पता करनी है के की जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि ये पूरा फर्स्ट कॉलम कैसा होना चाहिए, साइन एक ही साइन होना चाहिए, या तो नेगेटिव साइन है तो पूरा नेगेटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इन दोनों का हमें पता नहीं है क्योंकि के की वैल्यू नहीं पता। तो पॉजिटिव होने के लिए इस के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन हमें मालूम चला कि के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमें क्या पता चला कि 1-KT भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो 1 क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा आपका KT से बड़ा, ठीक है। तो K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/T, ठीक है। तो यहाँ से हमें K की मिनिमम वैल्यू पता चल गई, K की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, तो रेंज बता सकते हैं हम। तो फाइनल K की रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 1/T। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में उन्होंने थ्योरेटिकली सब कुछ दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल उसका मॉडल हमें नहीं दिया, तो हमें बनाना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन में आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विच इज हैविंग एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, क्या है उसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू जीरो, उसमें कितने हैं आपके जीरो, कितने हैं आपके पास, 2 जीरो हैं, 2 जीरोस हैं, और क्या बोला है उन्होंने, 2 पोल्स, पोल्स भी कितने हैं, 2, एंड अ वेरिएबल पैरामीटर गेन के, और क्या है आपके पास, गेन के है। द जीरोस आर लोकेटेड एट -2 and -1 एंड पोल्स आर लोकेटेड एट -0.1 and +1, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे उन्होंने बोला है, यूजिंग राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम हैज 0, 1 and 2 poles इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो किस तरह से आएगा ये, ये आएगा आपका GSHS इक्वल टू, हमको दे रखा है जीरो कितने हैं, जीरो हमारे पास 2 हैं, तो उन जीरो को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एक जीरो है -2 पर, तो इसलिए हो जाएगा S+2, ठीक है। इसको कैसे निकाला, S=-2 है तो इस 2 को इधर लेकर आए हैं, तो S+2 हो जाएगा ये। इसी तरह आपका S+1 हो जाएगा। सेम हम क्या निकालेंगे, पोल, पोल हमें दे रखा है -0.1 पर and 1 पर, तो ये आ जाएगा आपका S+0.1 and S-1, ठीक है। इसके अलावा उसने बोला है कि एक गेन के है, तो इस गेन के को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरह से तैयार हो गया आपका एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और क्वेश्चन में पूछा है, बोला है कि अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, तो यूनिटी फीडबैक के लिए इस HS की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1, ठीक है। तो इस तरह हमने निकाल लिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इससे हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालते हैं, कैसे बनाएंगे, S+0.1 into S-1 plus K S+2 S+1 equal to 0। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि स्टेप बचा के, तो आप स्टेप कर सकते हो अपने आप 1+GSHS=0 करके, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसको इनटू कीजिए आप, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका S² plus KS² एक यहाँ से KS² आएगा आपका, ठीक है, प्लस ये आपका आएगा आपको यहाँ से 3KS माइनस
0.9s प्लस 2k माइनस 0.1 इक्वल टू 0। तो ये आपको सॉल्व करके ये मिल जाएगा। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस के आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें से s कॉमन आ रहा है, तुमने इसको में से s को कॉमन निकाल दिया है, प्लस 2k माइनस 0.1 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गई फाइनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इससे हम बनाते हैं राउथ हर्विट्स टेबल। तो राउथ टेबल बनाते हैं, एस स्क्वायर एस वन एस ज़ीरो। तो पहले फिल करेंगे 1 प्लस के, यहाँ आएगा आपका 2k माइनस 0.1, यहाँ आएगा आपका 3k माइनस 0.9। इस प्लेस को फिल करना है तो कैसे करेंगे, 0 0 2k माइनस 0.1, ठीक है। तो इस तरह से हमने राउथ टेबल को भी फिल कर लिया है, ठीक। अब मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर विच द क्लोज लूप सिस्टम हैज जीरो पोल्स इन द राइट हैंड साइड। तीन क्वेश्चन है, जीरो पोल्स इन द राइट हैंड साइड। सेकंड पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर विच वन पोल्स इन द राइट हैंड साइड, और थर्ड पूछा है टू पोल्स इन द राइट हैंड साइड। इन तीनों के लिए हमें अलग अलग वैल्यू निकाल दी हैं। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका, पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है जीरो पोल्स इन द राइट हैंड साइड। जीरो पोल्स इन द राइट हैंड साइड का मतलब है फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज नहीं होगा तो 1 प्लस के की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो के आएगा आपका ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। सेकेंड केस से हम क्या निकाल सकते हैं, 3k माइनस 0.9 की भी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3k इज ग्रेटर देन 0.9, यानी कि k इज ग्रेटर देन 0.3। थर्ड केस से हम क्या निकाल सकते हैं, 2k माइनस 0.1, इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 2k इज ग्रेटर देन 0.1, तो k आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, k इज ग्रेटर देन माइनस 1, k इज ग्रेटर देन 0.3, k इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है, वो 0.05, ठीक है। k की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि k की वैल्यू 0.3 से ज़्यादा हुई तब तो सिस्टम क्या होगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले अब देखते हैं k की वैल्यू क्या आपकी, माइनस 1, k की वैल्यू है 0.3 से ग्रेटर देन, और k की है वैल्यू 0.05 से ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसको मैं एक नंबर सिस्टम पर, नंबर टेबल पर डिनोट कर देता हूँ। तो सपोज कीजिए यहाँ माइनस 1 था आपका, यहाँ 0.05 था, और इधर आपका 0.3 था, ठीक है। यदि k की वैल्यू 0.3 से बड़ी हो गई, यहाँ पर इधर कुछ भी रेंज हो, ठीक है, तब सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में होगा आपका जीरो पोल्स इन दी राइट हाफ, जीरो पोल्स इन दी राइट हाफ, ठीक है। सेकेंड हमें क्या चेक करना है, सेकेंड उन्होंने बोला है कि वन पोल इन दी राइट हाफ, एक पोल कहाँ चला जाए, राइट हाफ में। तो देखिए हम इसको दूसरे कलर से डिनोट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने k की वैल्यू इस 0.3 से शिफ्ट करके कुछ यहाँ पर ले ली है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये ली हमने, तो अभी k की वैल्यू कहाँ आ गई आपकी, 0.05 से लेकर 0.3 के बीच में, ठीक है। जैसे ही वैल्यू k की वैल्यू 0.3 से कम हुई तो सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पर वॉयलेट कर गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0.3, लेकिन आपने क्या लिया है, लेस देन 0.3। तो इस केस में यदि हम माने पहले पॉजिटिव साइन था, इधर भी पॉजिटिव साइन था, इधर भी पॉजिटिव साइन था, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ही नेगेटिव साइन आया तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हुए, वन एंड टू। तो इससे हमें पता चला कि कितने पोल राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, टू पोल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ना आते हुए कौन से का आ जाएगा आपका, थर्ड का। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके इसका ही आंसर ये वन पोल्स इन दी राइट हाफ साइड में लगा देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये किसका आंसर है आपका, टू पोल्स का। तो ये जब के की वैल्यू 0.05 से 0.3 के बीच में होगी तब क्या होगा आपका, टू पोल्स इन दी राइट हाफ। ठीक है, थर्ड केस हम देखते हैं, यदि हमने क्या किया है, इस के की वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, -1 से 0.05 के बीच में, -1 से 0.05 के बीच में, तो क्या था इनिशियल साइन, क्या थे आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने इधर शिफ्ट किया है तो देखिए -1 वाला साइन तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 0.3 से कम हो गई है और वैल्यू 0.05 से भी कम हो गई है, इसलिए ये साइन भी चेंज होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में साइन चेंज कितनी बार हुआ है, केवल एक बार, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो क्या आपका नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज केवल क्या, एक। तो इस केस में क्या होगा आपका, केवल वन पोल शिफ्टेड इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से कहाँ तक, पॉइंट 0.05 तक। ठीक है, ऐसा जब के की भी रेंज होगी तो इस केस में क्या होगा, वन पोल इन दी राइट हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप की वैरायटी थी। तो हम यहाँ पर क्या समझे, थोड़ा एक नोट हम देखते हैं यहाँ पर क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द राउथ एरे इफ एट एनी स्टेज अ रो हैविंग वन और मोर जीरोस एलिमेंट एंड और वन और मोर नेगेटिव एलिमेंट अपीयर्स देन द कॉम्प्लीशन ऑफ राउथ एरे विल ऑलवेज रिजल्टिंग साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम, दैट इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज वन और मोर रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक है, तो ये आपको कुछ नोट था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको इस इन क्वेश्चन में मैंने जो वैरायटी बताई है, सारी वैरायटी मैंने आपको कवर कर दी है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।